प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की सीरीज में एग्जाम्पल नंबर 1.6 की। जरा 1.6 को देख लीजिए क्या है, फिर हम फिगर पे आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है आप उसे देखेंगे तो उससे आप दूर ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा इस वीडियो में नहीं होने वाला है। आपको ईजी सोल्यूशन ये चैनल प्रोवाइड करता है और आप देखेंगे और रियलाइज करेंगे वाकई में आसान है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू क्यू। तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, नेचर सेम है। अब नेचर सेम होने पर एक बात मैं आपको बता दूं कि नेचर सेम होने पर चार्जेस में रिपल्सन होता है और नेचर अपोजिट होता है तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है और Q3 की वैल्यू भी Q है प्लेस कर दिए गए हैं। फिर क्या करना है? व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q? अब चार्ज Q कहाँ रखा गया है? आगे बोला गया है प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड तो समझते हैं ना, इस ट्रायंगल का यहां पर सेंट्रॉयड है, इस सेंट्रॉयड पर क्यू चार्ज रखा गया है। अब इस क्यू चार्ज पर ये Q1, Q2, Q3 कितना फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, उसी का कैलकुलेशन करना है। लेकिन फोर्सेस के बारे में डील करना है तो कूलाम्स लॉ को कैसे भूल सकते हैं? कूलाम्स लॉ हमें आना चाहिए तब ये क्वेश्चन इजी गोइंग होगा। नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला तो आता होगा। नहीं आता तो उसका भी सोल्यूशन है, मैंने लिख दिया है। अगर टू पॉइंट चार्जेस हों, क्या हों? टू पॉइंट चार्जेस हों Q1 और Q2, ठीक है, स्टेशनरी हों, यहाँ रुके हुए हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस मालूम हो, सेपरेशन पता हो, तब आप F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखेंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या कोलम्बियन फोर्स होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होता है, ये कैसा होता है? म्यूचुअल होता है। कैसे म्यूचुअल होता है ये भी समझ लीजिए। ये जितना चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा Q2 पर, उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा। एक बात और सुनते चलिए प्लस चार्जेस होंगे, मींस सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो रिपल्सन होगा, और अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। इतनी बात समझ गए तो क्वेश्चन में आपके लिए अब कुछ नहीं है। अब मैं क्वेश्चन डील करने जा रहा हूँ। देखिए, सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है? LL है, ठीक है, साइड L है, करेक्ट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल होगा 60 होगा, ठीक है। यहाँ भी ले देता हूँ मैं, ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, कन्फर्म है। ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री आ जाता है। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो देखिए ये एंगल कितना होगा? जस्ट हाफ, ये होगा 30 डिग्री। इधर से भी ये कितना आएगा? ये आएगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा जो ये बना हुआ है? ये होगा 120 डिग्री। क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूँ कि जो Q1 चार्ज है वो कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगाता है, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लगा दीजिए। तो देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 1। सॉल्यूशन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, ये कहां पे रखा हुआ है? ये पॉइंट यहां पर O है, कैपिटल क्यू ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड में कितना होगा? देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन कहाँ होता है? दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होता है। फिर से कूलाम्स लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो चार्जेस अगर एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन में ही होगा, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो उसी लाइन में ही होगा। देखिए,
जैसे ये दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है यहाँ पे, ये ठीक है, तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन है इन्हीं लाइन पर होगा, इन्हीं लाइन पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि टेढ़े इधर से हो जाए कुछ इधर से हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा फोर्स का, फोर्स की जो जो शो करने की डायरेक्शन है वो नहीं होगी, वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही फोर्स की डायरेक्शन शो करी जाएगी। तो देखिए ये एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, रिपल्सन है तो नीचे होगा, अट्रैक्शन होता तो इसी लाइन में होता और वो पहले चार्ज की तरफ हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू ऑन क्यू है ड्यू टू क्यू वन, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ वन लिखूंगा। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कितना लिखा है कि इसकी वजह से जो इस पे लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एफ वन है, तो एफ वन को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻¹, क्या आएगा क्यू आएगा, क्यू वन है, क्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता तो ज़रा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये नहीं पता तो जितना ये होगा ओ, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये ओ सी है, सेंट्रॉइड के केस में क्या होगा, क्या होगा, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ यहीं पे कहीं नोट में, क्या होगा फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होगा यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट इसको आर कह देता हूँ, ये हमने मान लिया। अब मुझे आर की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैं तो तीनों बराबर ही ना, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू निकालेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। चलिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्लियर हो गया, तो ये निकल आया आपके पास ऐसे, ठीक है, ये फोर्स आ गया। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा है, ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस एंगल का, ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऐसा बोल सकते हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाई सेक्टर है बीसी का, तो देखिए ऐसे जाएगा। चलिए लेकिन मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, कितना फोर्स लग रहा है वो बात करनी है। सेकंड बात करिए जरा, इसकी वजह से Q2 की वजह से Q पे कितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 कितना आ जाएगा, ये आएगा F2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁹, यहाँ भी देखिए Q है, यहाँ भी Q है, तो क्या आ गया Q और Q अपॉन आर स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसको मैं डिस्टेंस बोल दूँ, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पे हमने कंसिडर करा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसलिए इसको लिखना कोई गलत बात नहीं थी, तो मैंने इसको लिख दिया। अब बात करिए किसकी, अब आपके पास आ जाता है ये F2 निकल आया आपके पास, ये न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, अब आप बात करिए किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू क्यू थ्री की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो भी देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ से F3 की वैल्यू आ जाएगी, F3 इसी डायरेक्शन में लगेगा, F2 इसी डायरेक्शन में लगेगा, चार्जेस नेचर का सेम है इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर बाहर की ओर है, रिपल्सन है, यहाँ से कितना आया 9 × 10⁹, ये हो गया Q, हो गया कैपिटल Q और हो गया आर स्क्वायर। चलिए ये भी पता चल गया आपको। अब आपने तीनों फोर्सेस निकाल लिए, कैसे करना है इनका सम जरा देखिए, नेट फोर्स निकालना है मुझे कहाँ पर, क्यू पर। अब यहीं पर मेरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी से कैसे डिफर होने वाला है और आपको आसान तरीके से समझ में कैसे आए मैं बताने जा रहा हूँ, बस यहीं पे आप फोकस करिए। क्या करना है आपको, देखिए ये एंगल हुआ 120 यहाँ से, हाँ तो इसके बीच में सुनिए, जो ये
ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन देखिए, अगर ये 120 है तो इधर इसके बीच में भी ये 120 होगा, ये 120 होगा और इधर भी 120 ही होगा। क्लियर हुआ? इधर ये 120 है तो इधर ये 120 होगा, इधर ये 120 होगा। क्लियर हुआ? तो ज़रा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ज़रा देखिए, ये कितना हुआ, ये 60 होगा, इधर का 60 होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा, 120 का जस्ट हाफ, 120 का जस्ट हाफ। जब जस्ट हाफ करते हो आप तो क्या मिलता है, देखिए मैंने क्या आपको बोलने की कोशिश करी, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझा ये रहा हूँ बच्चा कि इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना है, पूरा 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 60 डिग्री और ऊपर का भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इतने एंगल की, कितने एंगल की, सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा हूँ, इतने एंगल की, सिर्फ इतने एंगल की, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। भाई ये 60 डिग्री है नीचे वाला, ऊपर 60 है तो नीचे भी 60 होगा, और जो ये लाइन होगी ये क्या होगी, ये BC के पैरेलल होगी, तो ये दोनों को क्या कर देगी, हाफ कर देगी, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री आया। ठीक है, अब 30 डिग्री आने पर देखिए F2 के दो कंपोनेंट होंगे, F2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या आ जाएगा, एक आएगा F2, एक आएगा F2 cos 30, एक आएगा F2 cos 30 और दूसरा वाला कितना आएगा, एक आएगा F2 sin 30 आएगा, F2 sin 30 आएगा, F2 cos 30 आएगा, इसको मैं और से इसलिए देता हूँ, F2 sin 30 आ गया। ऐसे ही जरा F3 को तोड़ दीजिए, F3 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा, ये कितना आने वाला है, ये आएगा F3 cos 30 आएगा, इधर भी तो वही काम होगा, देखिए ये पूरा 60 है तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन ये 30 में और 30 में तोड़ देगी, तो हमें तो यही चाहिए था, ये वाला एंगल, ये 30 है तो इससे 30 से F3 इधर आएगा और ये टूट जाएगा ऊपर, तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, ये आया है और प्लस ऊपर ही क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा F3 साइन 30, ये आ जाता है। तो एक आपके पास ये टर्म है और एक टर्म आपके पास ये वाला है, एक F2 साइन 30 ऊपर काम कर रहा है और एक F3 साइन 30 ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, साइड में F2 cos 30 है और F3 साइन 30 है, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या देख रहे हो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि F1 = F2 = F3 = F, ऐसा मैं मान सकता हूँ, हो जाएगा, जरा देखिएगा। अब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है वो जरा देखिए, तो नेट फोर्स कितना लगा मैं लिखने जा रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू कितना आएगा, F net = आएगा ऊपर की तरफ फोर्सेस कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और देखिए ये वाला इधर वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, क्यों कैंसिल कर देगा, क्योंकि F3 और F2 आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर की तरफ आएगा F2 sin 30 प्लस और कितना आएगा, F3 sin 30, और नीचे की तरफ कितना है, जरा देखिए ये कितना है, F1 है, नीचे की तरफ कितना है, F1 है, यहाँ से क्या ले सकते हो, F2 किसके बराबर है, F2 जो बराबर है, F2 = F है तो F आ जाएगा, sin 30 कितना है, 1/2 है, यहाँ से कितना आएगा, F है, 30 कितना है, sin 30 1/2 है, तो यहाँ F1 की वैल्यू कितनी है, F1 ऑलरेडी F के बराबर है तो कितना आ गया, F/2 ऐड करोगे कितना आएगा, F आएगा, माइनस F आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q कंपोनेंट में ब्रेक करके शायद आपको
बहुत सर्च करिए, बहुत सर्च करिए, ठीक है। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, मिलने वाला नहीं है। कंपोनेंट को ब्रेक करके समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि 11th क्लास में आपने वेक्टर को इतना अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी आ ही जाएगा। मैंने वही कोशिश करी है कि आपको 11th का भी थोड़ा सा टच दे दूँ और आसान बना दूँ, क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं, कहीं भर भी टफ नहीं है। बस थोड़ी सी लाइन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कंपोनेंट F3 cos थीटा कैंसिल टू कंपोनेंट F2 cos 30। क्या है? F2 cos 30 कैंसिल टू कंपोनेंट F3 cos 30, और ये यहाँ पर आ जाएगा, नेट फोर्स आ गया। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इसका सोल्यूशन इजी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।